डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है इसको समझते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री का मतलब समझते हो किस हद तक, फ्रीडम का मतलब आजादी, किस हद तक आजादी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब ये ना एक ऐसी स्टेटमेंट है या ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि कहीं भी फिट इन कर सकते हो। चलो नहीं कि केमिस्ट्री में करना है, फिजिक्स में ही करना है, चलो मैं आपके ऊपर लगा देता हूं। आपके पेरेंट्स आपको आजादी देते हैं कि आप टू व्हीलर चला सकते हैं, आपकी एक आजादी है, ठीक। आपके पेरेंट्स आपको आजादी देते हैं आप किसी की बर्थडे पार्टी पे जा सकते हो जिसको आप डिमांड करोगे, दो डिग्री ऑफ फ्रीडम है आपकी, दो। आपके पेरेंट आपको मोबाइल खुला यूज करने की परमिशन देते हैं, तीन, तीन आपकी तीन डिग्री ऑफ फ्रीडम है। आपके पेरेंट्स अलाउ करते हैं कि जहां तेरा मन करे घूमा, चार, ठीक। आपके पेरेंट्स अलाउ करते हैं जहां ऑर्डर करना है जोमेटो स्विगी जो करना है कोई दिक्कत नहीं, ये ले पांच, कोई रोक नहीं है, पांच डिग्री ऑफ फ्रीडम है। आपके पास कितनी है पूरी तरह, एक या दो, दो, दो का इससे ऊपर नहीं है, तो ये आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। चलो सेकेंड डिग्री ऑफ फ्रीडम का एग्जाम्पल छोड़ दो इसे, ये मैंने बनाया, डेफिनेशन भी मैंने ही बनानी है, मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट आपके ऊपर लगाना है तो सिस्टम मैंने डिफाइन करना है। दूसरा, सपोज एक रोबोटिक आर्म है, मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक से आर्म बनाई, वो सिर्फ एक्स में मूव कर सकती है या वाई में मूव कर सकती है या जेड में मूव कर सकती है, बस टेढ़ी नहीं मूव कर सकती। तो मेरे हिसाब से मेरे आर्म के डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ तीन है, मैं डिफाइन कर रहा हूं ना, जिस एक्सिस पर अगर तीन एक्सिस मूव करती है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम तीन है। चलो वो आर्म का हाथ मूव करते हुए घूम भी सकता है, गोल 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 घूम सकता है, तो रोटेशनल का भी मोशन आ गया इसमें, चार हो गया। वो आम घूम मेरी ऐसे भी घूम सकता है, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम पड़ गई उसकी, ये मेरी डेफिनेशन है उस आम को लेके, मैंने बना दी। हमने क्या करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम एटम्स और मॉलिक्यूल्स पे चलानी है। अब कैसे करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब कॉन्फिगरेशन ऑफ अ सिस्टम कंप्लीटली। क्या है ये चीज, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब कॉन्फिगरेशन सिस्टम कंप्लीटली, तो बाद में पढ़ते हैं। हम यहां डिफाइन करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल या एटम की डिग्री ऑफ फ्रीडम एनर्जीज से, वो मॉलिक्यूल के पास एट अ टाइम कितनी एनर्जीज कितने एक्सिस पे प्रेजेंट हैं एट अ टाइम, वो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। मैं लगा के दिखाता हूं, लेकिन लगाने से पहले उसके पास कितनी एनर्जीज पॉसिबल एट अ टाइम करने से पहले आप ये समझ लें कि मॉलिक्यूल के पास एनर्जीज हैं कितनी। पहली एनर्जी गैस के मॉलिक्यूल के पास है ट्रांसलेशन एनर्जी, गैस का जो मॉलिक्यूल है गैस में कहीं भी मूव कर सकता है, वो ट्रांसलेट करता है, उस एनर्जी को ट्रांसलेशन एनर्जी बोलते हैं। दूसरा, मॉलिक्यूल या एटम घूम रैंडम मोशन में आते आते घूम भी सकता है, अपने एक्सिस पे भी घूम सकता है स्फीयर की तरह, या फिर पूरा मॉलिक्यूल है ऐसा मॉलिक्यूल है, ये बॉन्ड बना हुआ है और ये दो एटम है तो मूव ऐसे कर सकते हैं, रोटेट भी कर रहा है ये, तो रोटेशनल एनर्जी भी है। तो दूसरी एनर्जी कौन सी पॉसिबल है, रोटेशनल एनर्जी, पहली ट्रांसलेशन, दूसरी रोटेशन, तीसरी एनर्जी है वाइब्रेशन एनर्जी। अगर टेम्परेचर 5000 केल्विन से ऊपर हो जाए, बहुत होता है 5000 केल्विन गैस का, तो वो यहाँ पे एटम कांपता है, वाइब्रेट भी करता है थर्मल एनर्जी से, तो एक और डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड हो जाएगी उसमें, ठीक। तो ये टाइप ऑफ एनर्जी जो एक मॉलिक्यूल पोजेस कर सकता है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलती कैसे है, एग्जाम्पल जैसे मान लो आपके पास एक मोनोटॉमिक गैस है, मोनोटॉमिक गैस कुछ नहीं है, एक एटम है, बस एक एटम है, वो एटम एट अ टाइम रैंडम मोशन में एक्स वाई जेड में मूव कर सकता है कैसे भी कहीं पर भी, तो उसके पास ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी एक्स में भी है वाई में भी है और जेड में, क्योंकि तीन वेलोसिटीज हैं एक्स वाई जेड वी एक्स वी वाई वी जेड, तो तीन एनर्जीज पोजेस करता है अलोंग थ्री कोऑर्डिनेट्स, तो उसकी ट्रांसलेशन की एनर्जीज कितनी काउंट होंगी, तीन, और डिग्री ऑफ फ्रीडम को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो तीन, मतलब हमने ये कैलकुलेट करना है कि एट अ टाइम एट प्रेजेंट उसके पास कुल मिला के कितनी एनर्जीज हैं, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो उसके बाद ट्रांसलेशन की कितनी एनर्जीज हैं, तीन। अब वो जो एटम है वो वैसे तो स्फीयर है, पर हम ये मानते हैं कि लाखों करोड़ों एटम है, वो स्फीयर नहीं मानते, उसको पॉइंट मास मानते हैं। अब पॉइंट मास अगर अपने एक्सिस पे घूम भी जाता है, रोटेट भी कर रहा है, तो उसका आई क्या लिया जाएगा एक्सिस के ऊपर, जीरो, क्योंकि मोमेंट इनर्शिया पॉइंट मास का क्या होता है, जीरो, अपने एक्सिस के ऊपर तो कैसे घूमेगा, पॉइंट मास है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हम नहीं लेंगे,
तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या जाएगी इसमें? तीन। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगी? ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। तो ट्रांसलेशन की एनर्जी कितनी है? तीन। और रोटेशन की क्या है इसमें? जीरो। तो आज के बाद अगर पेपर में आए कि बताओ मोनोटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, आप बोलेंगे तीन, प्रोवाइडेड वो 5000 केल्विन के ऊपर ना हो, क्योंकि उसके बाद वाइब्रेशन एनर्जी भी ऐड करनी पड़ेगी जो कि होती नहीं है। बट पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो मोनोटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम तीन, याद आपने ये करना है, कुछ नहीं पढ़ना आपने। पेपर के लिए पूछा जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू बोलो मोनोटॉमिक गैस की, आप बोलेंगे तीन, बात खत्म। ठीक है यहां तक? जैसे फिर करते हैं डायटॉमिक गैस। डायटॉमिक गैस के पूरा एक डायटॉमिक गैस का मॉलिक्यूल है, दो एटम है, एक पूरा बॉन्ड बना हुआ है। अब ये ऐसा है, ऐसा है, ये एट प्रेजेंट रेंडम मोशन में कैसे मूव कर सकता है? ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे कहीं पर भी। तो तीन ट्रांसलेशन की एनर्जी तो इसमें काउंट होनी ही है। देखो ट्रांसलेशन मोशन में तो हर मॉलिक्यूल होगा ही होगा, तीन का खाता तो खोलना ही पड़ेगा इसका, तीन से कम तो होती नहीं, क्योंकि ट्रांसलेट तो मोनो भी करेगा, डाय भी करेगा, ट्राई, हर कोई ट्रांसलेट तो करेगा ही करेगा रेंडम मोशन में, तो तीन तो ऐड होनी होनी है। अब वो जो मॉलिक्यूल है इसके जो एटम्स हैं ये ऐसे है। अब जब ये रेंडम मोशन में होगा तो ये घूम भी सकता है, ऐसे घूम सकता है। अब यहां पे कॉर्नर पे क्या लगे हुए पॉइंट मासेस, अब जब ये घूमेगा तो एक्सिस कहां से पास करेगा? इसके सेंटर से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका जीरो नहीं होगा, एम इन टू आर स्क्वायर, एम इन टू आर स्क्वायर। एक पॉइंट मास का अपने ऊपर एक्सिस के ऊपर तो जीरो है, पर पॉइंट मासेस का इसके एक्सिस के ऊपर कुछ ना कुछ तो काउंट होगा, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी काउंट होगी। जब ये घूमेगा तो ये 2D में घूमेगा, 2D प्लेन, एक प्लेन कवर करेगा, या तो एक्स वाई में, या वाई जेड में, या जेड एक्स में, 3D में मूव नहीं कर सकता ये, क्योंकि जब ये रोटेट करेगा तो 2D मोशन कवर करेगा। तो एट मोस्ट कितने एक्सिस कवर होंगे साइमल्टेनियसली रोटेशन की वजह से? दो। तो इसके रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होंगी इसमें? दो। तो कुल मिला के टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएंगी? तीन और दो कितनी? पांच। कोई डाउट इसमें? ये पॉइंट क्लियर है यहां था? अब जैसे सपोज अगर टेम्परेचर 5000 केल्विन से ऊपर हो जाए तो उस केस में दो एनर्जीज और ऐड हो जाएंगी वाइब्रेशन की वजह से, तो टोटल आंसर क्या होगा? सात। अब ये डिपेंड करता है वाइब्रेशन की एनर्जी लेनी है या नहीं लेनी। गैस का टेम्परेचर 5000 से ऊपर है तो लेनी है, 5000 से नीचे है नहीं लेनी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक। अब नेक्स्ट सपोज करो ट्राइटॉमिक गैस है। ट्राइटॉमिक गैस दो किस्म की होती है, या तो ऐसी होती है शक्ल देखने में, या कैसी होती है, या ऐसी होती है, लीनियर होती है, नॉन लीनियर, लीनियर। लीनियर का एग्जांपल ये रहा, नॉन लीनियर का ये रहा, H2O जो भी है। ट्राइटॉमिक में जब ये पूरा पूरा का पूरा सिस्टम ट्राइंगल मूव करेगा तो रेंडम मोशन में इसकी वेलोसिटी कैसी भी हो सकती है, तो तीन ट्रांसलेशन तो देनी ही पड़ेगी, तीन। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कम से कम तीन तो पक्की है। अब रोटेशन की बात करें, जब ये ट्राइंगल मूव करेगा तो तीनों एक्सिस कवर कर देगा, पूरा प्लेन है ना, ट्राइंगल इज अ प्लेन, तो ये रॉड थोड़ी ना है, ऐसी लेंथ थोड़ी ना है, लेंथ रोटेट करेगी तो दो एक्सिस कवर करेगी रोटेशन में, पर अगर ट्राइंगल कवर करेगा तो पूरा घूम के 3D में चला जाएगा, तो तीन एक्सिस एटमोस्ट कवर करेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? तीन। तो इसमें तीन प्लस तीन क्या हो जाएगा? छह। तो ट्राइटॉमिक की नॉन लीनियर में डिग्री ऑफ फ्रीडम छह, वाइब्रेशन कंसिडर नहीं करनी। और अगर लीनियर है तो ट्रांसलेशन की तीन तो ऐड करनी करनी है। अब ये लीनियर है, लीनियर मोशन में जब ये घूमेगा रोटेट करेगा तो कितने एक्सिस साथ के साथ कवर करेगा? दो, एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स। तो ऐसे केस में दो और ऐड कर देंगे तो क्या आएगा? फाइव। तो पांच। अब ये पता नहीं आपको क्वेश्चन में क्या आएगा, उसके हिसाब से आंसर करना है। मेंस वालों ने बता देता हूं, ये क्वेश्चन दो बार पूछा हुआ है, उन्होंने पूरा डिग्री ऑफ फ्रीडम छोड़ के वो कहते हैं कि एक गैस है जिसका टेम्परेचर 5000 केल्विन से ऊपर है, तो गैस जो है वो डायटॉमिक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज करनी थी उसमें। अब प्रॉब्लम ये है कि लोगों रट्टा मार रखा है कि मोनोटॉमिक की तीन है, डायटॉमिक की पांच है, मोनोटॉमिक की तीन है, टेम्परेचर भूल गए। एक सवाल किसको याद है 5000 केल्विन का आंसर क्या है? तुमसे पूछूंगा तुम्हें नहीं, तुम डिग्री ऑफ फ्रीडम भूल चुके होगे। 5000 तो बहुत बड़ी बात है, 5000 केल्विन के ऊपर डाल के बैठे हैं तो सात आंसर मार्क करना है। समझ में आ रहा है यहां तक? वैसे 99.99% क्वेश्चन में तीन और पांच चलता है, मोनोटॉमिक डायटॉमिक, मोनोटॉमिक का तीन, डायटॉमिक का पांच, मोनोटॉमिक का तीन, डायटॉमिक का पांच, बस
ट्राई एटॉमिक पे आता नहीं है क्वेश्चन, एक आज भूला भटका कोई दिख दे मैं कह नहीं सकता, तीन पांच चलता है। और मेन वालों ने बता दिया, उन्होंने क्या ट्रिक खेली मैंने बता दिया, वाइब्रेशन साथ देती तो याद रहेगा। लेकिन कई बुक्स इतनी डिटेल में समझाती नहीं है, ठीक है समझा दिया अच्छी बात है, लिख दिया अच्छी बुक से लिखा मैंने। ज़्यादातर बुक्स ऐसे कहती हैं कि कुछ ना करो यार, फॉर्मूला याद कर लो। डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ का फॉर्मूला 3n - k, एन का मतलब नंबर ऑफ एटम्स हैं और के का मतलब कितने बॉन्ड बने हुए हैं। जैसे मोनोटॉमिक गैस ये रहा, मोनोटॉमिक गैस में एन क्या है, 1, नंबर ऑफ एटम क्या है 1, बॉन्ड तो बनाता ही नहीं है, तो के क्या है 0, फिर आंसर 3 आ गया, ठीक हो गया। फिर डायटॉमिक गैस में नंबर ऑफ एटम कितने हैं 2 और बॉन्ड कितने बने हुए हैं 1, कितना आ गया 5 आ गया। ट्राइटॉमिक गैस में नंबर ऑफ एटम कितने हैं 3, बॉन्ड कितने हैं साइमल्टेनियसली 3, कितना आ गया 6 आ गया। कुछ मत करो, 3 5 का फॉर्मूला तो याद ही कर लो, 99% याद तो यही करना है, 3 5 मोनोटॉमिक 3 डायटॉमिक 5। ये तो बिल्कुल ना करो, ये तुमको पसंद ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता नहीं यार कब कौन सा क्वेश्चन ट्विस्ट करके दे देगा। अब जितना कर लिया सफिशिएंट है, पेपर में देखेंगे बाकी, 3 5 से काम चलता है, ठीक है यहाँ तक।